बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के चैनल बावर्ची खाना में खुश आमदीद। दोस्तों, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मौसम में तब्दीली आ रही है, रात को सर्दी हो जाती है, दिन में गर्मी हो जाती है, तो उसकी मुनासिबत से मैं एक बहुत अच्छा सा हलवा लेकर आया हूँ। ये मेरे कोलीग हैं सर तारिक, उनकी फरमाइश पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा। आप देख के पहचान ही गए होंगे कि चने की दाल का हलवा बनने जा रहा है। तो इन्ग्रीडियंट्स बता देता हूँ जल्दी से। एक पाव मैंने चने की दाल ली थी, इसको मैंने 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, ठीक है, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और इसका दाना जल्दी से गल जाए। आधा किलो मैंने इसके लिए दूध लिया, ठीक है। और मेरे पास 1 चम्मच बादाम है, 1 चम्मच पिस्ता है गार्निशिंग के लिए, 5 हरी इलायची हैं जिनको मैंने कूट लिया है, और 1 टीस्पून मेरे पास इलायची पाउडर है, 1/2 कप मेरे पास खोया है, 1/2 कप मेरे पास देसी घी है, और 1 कप चीनी है। तो आइए बनाना स्टार्ट लेते हैं। एक पतीली ले लेंगे, इसमें दूध डालेंगे और दाल डालेंगे। अब इसको बॉईल कर लेंगे। जी दोस्तों, तो दूध में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारा सारा दूध जो है वो ड्राई हो जाए और हमारी दाल भी गल जाए। तो हम इसको पकाते हैं और साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते रहते हैं। अब हम इसका कवर हटा के इसको ड्राई कर लेंगे। जी दोस्तों, तो ये दूध को तकरीबन 25 मिनट लगे हैं ड्राई होने में, ठीक है। अभी मज़ीद 2-3 मिनट और हम पकाएंगे, बिल्कुल खुश करना। जी दोस्तों, तो हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई है और गल गई है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। जी दोस्तों, तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। जी दोस्तों, तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से ग्राइंड हो गया। आप देख सकते हैं कितना फाइन पाउडर जैसा टेक्सचर है, मैं हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको ग्राइंड करना है। तो अब हम इसकी भुनाई पे आ जाते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें घी डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने देसी घी लिया है, आप आम घी भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम जो कुटी हुई इलायची थी वो डाल के इसको करकड़ा लेंगे थोड़ा सा। हाँ, आग मैंने जो है वो मीडियम टू स्लो ही रखी है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं है करनी, क्योंकि हमने अभी मज़ीद अपनी जो चने की दाल का मिक्सचर है उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने उसको स्लो आग पर ही भूनना है, ठीक है। तो हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, थोड़ा सा इलायची का जो है फ्लेवर निकल आए, जो है आई थिंक कड़क चुकी है। अब हम इसके अंदर ये जो हमारा मिक्सचर था ये डाल देंगे। अब हम इसको इतनी देर भूनेंगे कि इसका कलर हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे। साथ ही साथ ही जो लम्स बन गुठलियाँ बन गई हम इनको भी तोड़ते जाएंगे, ठीक है। जी दोस्तों, तो हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऑयल घी ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितना घी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, उतना अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मैंने सोचा कि सेहत के असूलों के मुताबिक हम इसको बनाएं, ठीक है, ना ज़्यादा ऑयली हो और कोई खा सके, ना ज़्यादा ही मीठा हो। जी दोस्तों, तो तकरीबन मुझे 13 से 14 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, इसका कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है, और इसका तकरीबन ऑलमोस्ट एक एक इसका ज़र्रा जो है वो भुन चुका है। तो अब हम इसमें मैंने आग मीडियम टू स्लो ही रखी हुई है, अब हम इस स्टेज पे इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद भून लेंगे। दोस्तों, तो हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, हमारा घी हल्का हल्का ऊपर आने लगा है। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर खोया मिला देंगे और मज़ीद इसको भून लेंगे।
जी दोस्तों, तो हमारा खोया भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमारे हलवे ने साइड्स भी छोड़ दी हैं। तो इस स्टेज के ऊपर हम इस पे थोड़ा सा जो हमारा इलायची पाउडर था वो छिड़क देंगे और उसको बस 1 मिनट के लिए भून कर चूल्हा बंद कर देंगे। अब हलवे के तैयार होने की यही निशानी होती है कि वो साइड से जो है ना छोड़ देता है और सेंटर में आ जाता है। जी दोस्तों, तो हमारा हलवा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने एक डिश लेके उसको मैंने देसी घी से मैंने उसको ग्रीस कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इसको फ्लैट छोटी छोटी कतलों में और टिक्की की शक्ल में काटा जाता है और सर्व किया जाता है। तो आप भी कोई इस तरीके की डिश लेके उसको ग्रीस करके, ठीक है, उसमें इसको निकाल लेंगे तो फिर इसको ठंडा करने में भी आसानी हो जाएगी और सर्व करने में भी आसानी हो जाएगी। अब हम इसको इसमें निकाल लेते हैं। किसी भी वुडन स्पून की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पिस्ते और बादाम थे उससे इसको गार्निश कर लेंगे। अब जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा तैयार है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको स्क्वायर्स में काट लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।